दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है प्रेम ग्लोबल मैथिली यूट्यूब चैनल। दोस्तों रेलवे के एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुके, आज हो चुके 2 अगस्त, तो आप रोजाना मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, लेकिन कुछ मॉक टेस्ट में कमी या फिर गलत ज़्यादा होते, कभी कभी क्या है 15+ क्वेश्चन गलत हो जाते, तो उसका जो राज है वो ये राज है कि आप 15 क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं। भाई मैं बताता हूँ, मेरे भी भाई 12 से 15 के, मतलब 10 से 15 के बीच मेरे भी क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं। तो उसके अंदर ये देखो, 15 जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो 15 क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के गलत हो रहे हैं, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के या फिर जीएस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उसके बाद लिखो भी कि मैथ के अंदर इतने क्वेश्चन गलत हुए, जो क्वेश्चन गलत हुए वो कौन से टॉपिक से गलत हुए, उस टॉपिक को फिर आप रिवाइज करिए, पढ़िए भाई ये टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो अपन को गलत नहीं करना है कैसी भी कंडीशन में। तो ये रीजन था भाई, आप लिख के देखो भाई कि ये टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन मुझे गलत हुआ है, उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, इस पर मतलब कि उस टॉपिक को रिवाइज कर लिए, आधी घंटा में आराम से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अपन काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं अच्छी तरीका से, सब चैप्टर वाइज मैथ को, चैप्टर वाइज रीजनिंग को, चैप्टर वाइज जीएस को और साइंस को अच्छी तरह पढ़ चुके। तो ये बात आपको बतानी थी भाई कि लिखो किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कैसे हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, और आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं वो आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।